इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन को कंटिन्यू करते हैं और इसी दौर में आज एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, जिसको हिंदी बोलते हैं साम्यनीयतांक की गणना। कैसे करते हैं? नर्स इक्वेशन की हेल्प से। उसको सिर्फ तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरे नंबर देके जाता है, बस बच्चों को एक छोटा सा फॉर्मूला जो नर्स इक्वेशन की जो इक्वेशन याद रखनी होती है उसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन यदि याद है तो क्वेश्चन होगा और 100% सही होता है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा गंदी नहीं होती, ठीक है बच्चे? थोड़ा सा प्यार से करें ना इस क्वेश्चन को हैंडल, तो 100% इसका आंसर सही आता है और हर 1-2 साल में इसका एक क्वेश्चन बनता है और इजी क्वेश्चन बनता है। चलो अपन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चेक करेंगे कैसे इसका क्वेश्चन बनता है और फील लेंगे कैसे क्वेश्चन बनता है। चलो आइए सीखते हैं क्या कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट दैट इज केसी, ठीक है? अभी किसकी हेल्प से कर रहे हैं? नर्स इक्वेशन की हेल्प से कर रहे हैं। पहले नर्स इक्वेशन लिखता हूं, अपन ने डिराइव की थी कल वाली क्लास में। क्या ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू सी, ये नर्स इक्वेशन थी। अब देखना इसमें काम की बात क्या आ रही है। जब कभी भी रेडोक्सिडेशन, देखो यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केसी है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी जो है जब डिफाइन होता है, जब रिएक्शन ये रेडॉक्स रिएक्शन कहां पे? इक्विलिब्रियम पे। कहां पे होगी? इक्विलिब्रियम पे। फिर से मैं एक थर्मो का छोटा सा कंसेप्ट कम लेने जा रहा हूं। जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है उसका डेल्टा जी जो होता है जीरो होता है। कारण क्या है? नेट रिएक्शन की कोई डायरेक्शन नहीं, ना तो फॉरवर्ड है ना बैकवर्ड है, और डेल्टा जी क्या बताता है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। जब कोई नेट डायरेक्शन ही नहीं है, इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन, तो डेल्टा जी जीरो ही आना है उसका, ठीक है? तो ये कब डिफाइन होता है? व्हेन रिएक्शन इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। वो जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है? और इक्विलिब्रियम पर अपने को पता है डेल्टा जी जो है वो जीरो होता है, एक बात तो ये। और जो क्यू सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? के सी, जिसको इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम में सिखाया भी जाता है कि एट इक्विलिब्रियम क्यू सी रिएक्शन कॉन्स्टेंट होता है, जो सिखाया जाता है कि अलग अलग कंडीशन पे इसका क्या सिग्निफिकेंट है। जब क्यू सी के सी के इक्वल हो जाता है तब कहा जाता है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है? ठीक है, तो अपन इस चीज को काम लेते हैं। तो डेल्टा जी होता क्या है? माइनस का एन एफ ई, डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई। ई की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। ई की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। और आनी भी थी, और आनी भी थी, पता है क्यों? अब सोचो ना, नेट रिएक्शन में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा, ना रिएक्टेंट जो है वो कम हो रहा है नेट, और ना ही प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो नेट रिएक्शन कोई डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर रही, तो रिएक्शन कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा। और जब रिएक्शन में कोई मूवमेंट हो रहा था तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही, क्योंकि उस रिएक्शन से तो प्रोडक्ट बन रहा था, और जैसे मूवमेंट बंद हुआ इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया ना, वोल्टेज प्रोड्यूस होना जीरो। ये इसकी फील है भाई कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ प्रोड्यूस नहीं होती है जब इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ठीक है? तो ई पुट कर दो इसमें, तो क्या आ गया? जीरो इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0591, सही है? ये जीरो हो गया, ये है जैसे जैसे रहा, ठीक है? अपॉन एन लॉग केसी की जगह क्या आ जाएगा? क्यूसी की जगह क्या आ जाएगा? केसी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डिफाइन कर रहे हैं, तो इक्वेशन इस साइड लेते हैं। तो ई नॉट इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। ये क्या बन गया? इसकी इक्वेशन जो अपने को हेल्प करेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी? आपको ई नोट पता करना होगा सेल का, सेल के ई नोट की क्या वैल्यू है, और उसका वीएफ पता करना होगा। ये जैसे दोनों पता होंगे काम हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू पूरा सॉल्व करोगे तो लॉग केसी इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू, तो केसी आके आ जाएगा समथिंग वैल्यू ही, वो 10 की पावर में चली जाएगी, बेस टू द पावर सामने वाले लॉग की प्रॉपर्टी होती है। क्या काम आएगी आपको? क्या लॉग कुछ भी जो केसी है वो समथिंग एक्स आ गया, ठीक है? बेस में 10 होता है, ठीक है? तो इसमें क्या लिखूंगा? जो वैल्यू है केसी की वो 10 की पावर एक्स हो जाएगी। देखते हैं अभी करके, देखते हैं पता चलेगा, ठीक है? चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अपन सीखेंगे इसको। एग्जाम्पल में बोल रहा है, एक इक्वेशन दे रखी है 2Fe+3+3I- इक्विलिब्रियम दे रखा है, और ये एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि पता रहे रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है? चलो यहाँ से बना 2Fe+2+I3- और
पूछा है कि इसका केसी क्या होगा इस इक्विलिब्रियम का, और गिवन क्या क्या है। ई नोट गिवन है किसका, Fe प्लस 3 से Fe का प्लस 2 का 0.77 वोल्ट, एंड आपको ई गिवन है I माइनस से I 3 माइनस का -0.47 वोल्ट। ओके चलो, और उसके अलावा सब गिवन है, ठीक है, इतना जितना चाहिए अपने को दे दिया। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले काम क्या करना, आपको इक्वेशन लिखनी है जो काम में लेनी है। ई नॉट सेल इज गोज टू 0.0591, इसको ऑलमोस्ट 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एंड लॉग केसी, ठीक है। अब वापस वही तरीके से काम करते हैं अपन लोग। ई नॉट सेल क्या होगा, वैल्यू देखते हैं ई नॉट सेल की। ई नॉट ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड, ई सेल क्या आएगा, आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड। अब देखो इसमें कैथोड एनोड कौन है, ये प्लस 3 है, ये प्लस 2 में गया, तो ये प्लस 3 से प्लस 2 में जाना, इसका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया कैथोड हो गया, और ये क्या हो जाएगा एनोड, समझ। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कंफर्म है। जब प्लस 3 से प्लस 2 जाना रिडक्शन है, तो इसमें जो भी हुआ होगा अपने को नहीं आइडिया, उसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो आरपी ऑफ कैथोड, कैथोड कौन रहा होगा, कैथोड एफ यू वाला रहा है 0.77 एंड माइनस ऑफ आरपी। अब ये आरपी ओपी पता करते हैं, देखो इसका क्या हुआ है, प्लस 3 से प्लस 2 रिडक्शन, तो इसका ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन का ही दे रखा है, जबकि अपने को रिडक्शन का चाहिए, तो यहाँ पर माइनस ऑफ -0.47 नहीं आ जाएगा क्या वोल्ट में, समझ में आ गया ऐसा क्यों किया, 0.77 एंड ओवरऑल ये माइनस का था, इसके आगे इसलिए माइनस लगा था कि आरपी कन्वर्ट हो जाए माइनस, तो ओवरऑल अल्टीमेट रहना माइनस ही है 0.47 वोल्ट, ये कितना आ जाएगा 0.3 वोल्ट, ठीक है। इस वैल्यू को अपन आगे काम में लेंगे। नेक्स्ट क्या है, एन की वैल्यू, वीएफ की वैल्यू। अब वीएफ की वैल्यू कैसे करता हूं मैं, आप एनोड या कैथोड कोई भी इक्वेशन लगा लो, उसको बैलेंस कर लो। मैं कैथोड की इक्वेशन को बैलेंस करता हूँ, क्या है, टू एक हाफ हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 2Fe+3 से 2Fe+2। अब इसमें बैलेंस एटम बैलेंस है, बस चार्ज बैलेंस करना है, और चार्ज यहाँ पर +6 है, यहाँ पर प्लस का 4 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, कंप्लीट ये रिएक्शन बैलेंस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन से कटे होंगे, तो इससे आइडिया लग गया VF जो है वो 2 रही होगी, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, VF आ गई, इनोड सेल आ गया, क्या आया 0.3, इसको 0.06 ले लें अप्रोक्स, डिवाइड बाय VF आ गई 2 लॉग KC, ठीक है। ये इससे कटेगा 0.03 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 इज इक्वल्स टू लॉग केसी, बस ये बेस की पावर में 10 है, 10 टू पावर 10, तो केसी क्या आ गया 10 की पावर 10 आ गया, देख लो क्या आ गया आंसर, केसी की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे एकदम लल्लू से क्वेश्चन, ऐसे कुछ नहीं है, बस इनोड सेल कैलकुलेट करना है आपको और वीएफ पता करना है इक्वेशन से। देखो मैंने जानबूझ के इक्वेशन आपको दी है, मैं चाहता तो सेल दे सकता था, पर इक्वेशन से भी वीएफ निकालना है वो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। कुछ सिखाना है ना यार, कुछ सिखाना है, कुछ नहीं, बहुत कुछ सिखाना है, ठीक है। तो इस तरह सीखते रहिए, बने रहिए, साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।